हुकूमत की कोशिश नाकाम, दहशत गर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक फैसला पेरिस में FATF के इजलास में किया गया, फैसले पर अमल जून से होगा। बाज़ाबिता तौर पर आगाह नहीं किया गया, तर्जुमान दफ्तर खारिजा। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन कबल ट्वीट किया था, पाकिस्तान का नाम लिस्ट में नहीं डाला जा रहा। शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया एवन फील्ड जिमनी रेफरेंसेज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में समाप्त। नवाज सुलेम मरियम नवाज कैप्टन रिटायर सफदर की अदालत में पेशी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से गैर मुल्की गवाह रॉबर्ट ब्रिजले का वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड होना शुरू। दूसरे गवाह राजा अख्तर का भी बयान कलमबंद होगा। लाहौर की आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन का मामला, सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में दफातर की तालाबंदी। मुबैना मरकजी मुलजिम पर हुकूमत मेहरबान, अहद सीमा को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब काबीना का एक निकाती हंगामी इजलास आज तलब, अहद सीमा को तरक्की देने पर पंजाब असम्बली में ओपोजिशन का एहतजाज। साबिक DG LDA अहद चीमा की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तारी। DMG अफसर पंजाब मैनेजमेंट सर्विस के 1200 अफसरों का एहतजाज ना करने का फैसला। पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज एसोसिएशन के खुसूसी इजलास में अहद चीमा की गिरफ्तारी को जाती मामला करार दे दिया गया। इमरान खान का ब्यूरोक्रेसी के एहतजाज पर शदीद रद्द अमल, कहते हैं अहद चीमा की गिरफ्तारी पर ब्यूरोक्रेसी का एहतजाज शर्मनाक है। शहबाज शरीफ की सरकर्दगी में करप्ट टोला खुद को कानून से बालातर समझता है। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब हुकूमत की ईमा पर नैब के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है। शहबाज शरीफ का चोर स्विच अहद चीमा के पास है। अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहरुल कादरी कहते हैं माली जुराइम को तहफुज देने के लिए शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेट्स को एहतजाज पर उकसाया। साबित हो गया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इदारों के खिलाफ जंग में एक पेज पर हैं। आमदन से जायद असासे बनाने के मुतालिक इसहाक डार के खिलाफ दायर रेफरेंस पर समाप्त। नैब की जानिब से जिमनी रेफरेंस दायर ना किया जा सका। रेफरेंस तैयार है, नवाज शरीफ केस की समाअत की वजह से आज जमा नहीं कराया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। स्क्रीन आवेजा की है, हमें कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं? जस्टिस अजमत का इस्तफसार, मैंने कोई फिल्म नहीं दिखानी, तहरीरी जवाब दाखिल करवाया है, PID को भी असल तकरीर के क्लिप के लिए दरख्वास्त की है। वकील दानियाल अजीज का जवाब समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। भारतीय फोर्सेस की LOC पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 19 साल का नौजवान इंजमाम शहीद। पाक फौज का भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब, फायरिंग करने वाली चौकियों को निशाना बनाया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, तुर्की और इंडोनेशिया के दिफाई अताशियों का कंट्रोल लाइन का दौरा, फायरबंदी की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतालिक दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त शेख रशीद की जानिब से दायर की गई। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन नहीं रोकना चाहते, तब्दीलियों को खत्म ना किया गया तो सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं होगी। तरमीम के पीछे नवाज शरीफ का अमल दखल है। तो
तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शाहिद काका नबासी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा खित्ते के कदीम रवाबित बहाल होने का तारीखी मौका है। इंतजार कत्ल केस JIT का इजलास, इंतजार के वालिद वकील के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंच गए। JIT अरकीन से मुलाकात करेंगे। JIT ने कराची में कत्ल होने वाले इंतजार के वालिद को दूसरी मर्तबा तलब किया। CBD को रिपोर्ट जमा कराने के लिए सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। मेडिकल की तालिबा अस्मा रानी कत्ल केस को हाट से पिशावर मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि मुलजिम असर और रसूख इस्तेमाल करके लोगों को धमका रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म।